हाँ, राजपूत हत्याकांड जो 10 तारीख को कांड प्रतिबंधित हुआ था, अज्ञात महिला का जो डेड बॉडी मिला था, प्रथम इसकी पहचान हम लोगों ने उसी दिन कर लिया था। महिला का नाम गीता देवी, पति विजय कुमार, रहने वाले कैमूर उड़ी के थे। ये चांद थाने के रहने वाली महिला थी। उनकी हत्या जो है अज्ञात व्यक्ति के द्वारा किया गया था। इनके पति द्वारा बताया गया था कि ये महिला दियरा में कैश पार माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, उसमें काम करती हैं। हत्या के समय में इनके पास दो मोबाइल जो प्रयोग करती थी वो था, और इनके पास लाल बैग था। ये एक तरीके से ब्लाइंड मर्डर केस था, जिसके बारे में ना परिजन के द्वारा और ना किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा बताया गया था। पुलिस ने इसे चुनौती के रूप में लिया और इसका आज कल देर रात तक इसका सफलतापूर्वक उद्घाटन कर लिया। जो व्यक्ति जिसने हत्या की है वो भी इनके जानने वाले थे, और इन्हीं के जो कैश पार्क माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उसके भदौरा में एरिया मैनेजर हैं। इन दोनों के बीच में जनवरी से आत्मीय संबंध था। कुछ बिंदु पे इन लोगों के बीच में तनाव था, जिस कारण से शिववरण जिनके द्वारा यह हत्या किया गया उनको पकड़ा गया है। उन्होंने अपनी स्वीकारोक्ति बयान में महिला की हत्या की बात को स्वीकार किया है, और जिस हथियार से हत्या किया गया है उसको भी बरामद किया गया है। महिला के द्वारा जो प्रयोग में लाए जाने वाले मोबाइल थे उसको भी बरामद किया गया है। घटना के समय में जो इनके द्वारा शर्ट पहन के घटना कारित किया गया था, जिसमें ब्लड के कुछ दाग भी हैं, उसको भी जो है कि जब्त किया गया। सर, आखिर कौन सी वो बिंदु थी जहाँ ये हत्या की स्थिति उत्पन्न हो गई? हत्या के पीछे जो कारण था, इन लोगों के बीच में जो है कि आत्मीय संबंध था। जनवरी से इनके बीच में आत्मीय संबंध था, ये भी शादी शुदा थे और जो महिला थी वो भी शादी शुदा थी। कुछ कारण था जो ये शादी करना चाहते थे उस महिला से, क्योंकि पहले पत्नी के साथ ये डाइवोर्स के मैंने के पहले वाले स्टेज में ये हैं। उनके द्वारा बताया गया है कि ये वाइफ को जो है डाइवोर्स देना चाहते हैं, और ये जो गीता देवी हैं उनके तीन बच्चे हैं, ये अपने परिवार को बचाना चाहती थी और ये अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हैं। उनका ये कहना था कि जब हम अपने परिवार को छोड़ रहे हैं और आप अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, ये भवावेश में आके जो है इनके द्वारा हत्या किया। सर, अवैध संबंध क्या हत्या का कारण बना इसका? अब आत्मीय संबंध है इन दोनों के बीच में, और चूँकि लीगल वाइफ हस्बैंड ये नहीं है, तो संबंध को जो है कि अब जो भी नाम दें इन लोगों के बीच में आत्मीय संबंध। धन्यवाद सर। चलिए चलिए सर, आप चलिए।